श्री दिलीप भाई पांड्या, श्री दिलीप भाई पांड्या। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सुषमा जी के बाद बोलने की बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने इतना विस्तृत रूप से बात बताई और यही भी बताया कि सब लोग इसमें सम्मत है, तो मैं सोचता था कि एलओपी खड़े होकर बोलेंगे कि इसके पे डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉइस वोट से पास कर दो सब, और वी शुड नॉट यूज द टाइम ऑफ द हाउस टू फाइल। लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए सबको, इसलिए टाइम देना पड़ता है। आई वुड रिकॉल द डे ऑन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी took oath as a prime minister, he invited all the leaders of the neighbor countries. उसी दिन से सबको आशा हो गई थी कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं। इसको हम अच्छे दिन भी कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम पड़ोसियों के साथ लड़ते रहे और वो भी अच्छे दिन कहे चाहे। तो आज इसकी शुरुआत है, आज इसकी शुरुआत है। मैंने एक बार पढ़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक खत लिख के उस समय के प्रधानमंत्री और इस होल नेशन रिस्पेक्ट से जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिख के बताया था कि पाकिस्तान की जितनी चिंता हम कर रहे हैं बॉर्डर की, उससे ज़्यादा चीन के साथ की बॉर्डर की चिंता करनी चाहिए। और लेकिन वो सरदार पटेल की बात उस समय मानी न गई। आज मैं चाहता हूँ कब एक वीक के अंदर ही जब प्राइम मिनिस्टर चाइना की विजिट में जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ अच्छा अकॉर्ड होगा। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो चाइना के साथ है और हर टाइम एक डर रखता है कि चाइना क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, वो डर भी खत्म हो जाएगा। मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद जी और डेप्यूटी लीडर आनंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं लेकिन अच्छे बात के लिए अपना सहकार दिया। डॉक्टर करण जी ने अभी ही बताया कि चलो एक अच्छी शुरुआत हो गई है, और ऐसे दूसरे जो बिल है वो भी इसी तरह एक साथ मिल के राष्ट्र के हित में हम काम करेंगे। त्यागा जी आप बोलेंगे, त्यागी जी बोलेंगे, फिर भी मैं साथ साथ में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे सुषमा जी ने बताया, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लिया। त्यागी जी आप नहीं मानेंगे, हमारे साथ जो जो रहे हैं ना वो अच्छे लोग थे, है, हम भी मानते हैं, अभी भी मानते हैं, आप हमको माने या मैं। तो जो बिल आया है और बिल सर्वसम्मति से पास करने के लिए, और जो स्टैंडिंग कमेटी ने, जो सुषमा जी ने बताया कि 3 महीने में इसका रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट लोकसभा में 1 दिसंबर 2014 को लोकसभा राज्यसभा में के पटल पे रखा गया। और सर्टन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द कमिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट आई वुड गो थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस और सम ऑफ द रिमार्क्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। द कमिटी आर ऑफ द स्ट्रांग ओपिनियन 2.15 पैरा ऑफ द कमिटी स्टैंडिंग कमिटीज रिपोर्ट, द कमिटी आर ऑफ द स्ट्रांग ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 119 अमेंडमेंट बिल 2013 इज इन द ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट as it would prove it would pave the way for broader bilateral ties with one of our closest neighbors Bangladesh. The committee are of the considered opinion that delays in the passage of the bill have needlessly contributed to the perpetuation of a huge humanitarian crisis. However, the committee are also sure that the difficulties of the people living in the enclave of both the countries would come
to an end after act is passed by the parliament. The committee would therefore urge the government to take urgent steps for presenting the bill to the parliament without any further delay. जैसे सुषमा जी ने बताया कि हमने कहा था कि बजट सत्र के दूसरे भाग में हम बिल प्रेजेंट करेंगे, आज ये बिल आया है, सबकी सम्मति से ये बिल पारित होने वाला है, ये निश्चित है। लेकिन जो लंबी इसकी यात्रा रही है उसके ऊपर भी एक नज़र डालने की जरूरत है, और इसलिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ दिस हाउस टूवर्ड्स द स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ दिस बिल। आई कोट, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अ कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर। द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिटरमाइंड एज बाय द अवार्ड ऑफ 1947। सो ये चर्चा चल रही 1947 से। डिस्प्यूट अरोज आउट ऑफ द सम प्रोविजन्स इन द अवार्ड विच वेयर सॉट टू बी डिजॉल्व थ्रू द अवार्ड ऑफ 1950। Another effort was made to settle these disputes by the Nehru-Noon Agreement 1958. However, the issue relating to division of union was challenged before the Honorable Supreme Court. To comply with opinion rendered by Honorable Supreme Court of India, the Constitution 9th Amendment Act 1960 was passed by the Parliament. Due to continuous litigation and other political developments at the time, the Constitution 9th Amendment 1960 could not notified in respect of the territories in former East Pakistan presently. ये क्यों मैं पढ़ता है? नहीं, ये पढ़ने के क्या जरूरत है? जस्ट जो सुषमा जी ने बोला, मैं I saw the long way. Now, sir, it is. I am also happy to note that सुषमा जी has said के एक समय में हम इसका अपोज कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक समय इसका अपोज कर रही थी, आसाम के हमारे जो लोग थे बीजेपी के वो भी अपोज कर रहे थे, लेकिन ये हमारी सोच है, हम ऐसे पले हैं बड़े हैं कि हमारी गलती होगी हमको सच बताया जाएगा, अगर हमको सच्चे राह पे लाए जाएंगे तो हम अपनी भूल कबूल करते। विदेश मंत्री ने अपने प्रवचन में बहुत सारी बातें बताई है, इसलिए मैं उसके मूल में नहीं जाना चाहता हूं, और मैं सारे सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से ये बिल पास हो जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद पांड्या जी।